हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। सो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट। सो आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पे स्वागत करता हूँ। रोज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंगों पर बन रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम में मान के चलिए कि एक से दो नंबर में हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों, इनके गुणों और इनका यूज़ कहाँ पर होता है, ये किस लिए हमारे लिए आवश्यक होती हैं या हानिकारक होती हैं, किसकी वेधन क्षमता कितनी होती है, सो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। सो आज हम सारी तरंगों पर बात कर लेंगे, उससे बाद हमें कभी भी किसी तरंगों के बारे में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। सो सबसे पहले यांत्रिक तरंगे में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। सो विद्युत चुंबकीय तरंगों की हम बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये मैक्सवेल एक थे ब्रिटिश वैज्ञानिक, इन्होंने सन 1865 में सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया। और उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर गामा किरणों के बारे में, ये गामा किरणें क्या होती हैं, एक्स किरणें क्या होती हैं, पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, अवरक्त किरणें क्या होती हैं, दृश्य प्रकाश की विकिरण क्या होती है, सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं एंड रेडियो तरंगे क्या होती हैं। इन सारी तरंगों पर हम लोग अभी बिल्कुल विस्तृत बात करेंगे। सो गामा किरणें हैं, इनकी खोज किसने की, बैकुलर नामक वैज्ञानिक ने की। एक्स किरणों की खोज किसने की, रेंटजन ने की। और उसके बाद पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, रिटर ने की। अवरक्त किरणों की खोज किसने की, हर्सल ने की। दृश्य प्रकाश विकिरण की खोज किसने की, न्यूटन ने की। सूक्ष्म तरंगों की खोज किसने की, हेनरिक हर्डस ने की। एंड रेडियो तरंगों की खोज किसने की, मार्कोनीजी ने किया था। सो उसके बाद सबसे पहले हम लोग गामा किरणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे गामा किरणों के बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं कि गामा किरणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सो गामा किरणें, इनकी खोज बैकुरेल ने किया, ये तो हम सभी लोग जान गए हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि इनका उपयोग कैंसर रोग के उपचार में उपयोगी होता है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि कैंसर का उपचार किया जाता है, उनमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि गामा किरणों का। फिर उसके बाद इनकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, आपके आप उसमें आएगा पेपर में कि किन तरंगों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो आप बता देंगे कि गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। पर इन पर कोई आवेश नहीं होता, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसी कौन सी तरंग है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, तो आप लोग क्या बताएंगे, गामा किरणें, ये अत्यधिक हानिकारक होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्स किरणों की, एक्स किरणों का खोज रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये भी हम लोग जान लेंगे कि इनका उपयोग टूटी हुई हड्डियों तथा फेफड़े के रोगों को पता चलाने में किया जाता है। इनका उपयोग परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन कोष की संरचना जानने के लिए किया जाता है। इनकी वेधन क्षमता गामा किरणों से कम होती है, गामा किरणें जो होती हैं उनसे इनकी वेधन क्षमता कम होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पराबैंगनी किरणें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पराबैंगनी किरणें, इसको तो समझ लो घोर के पी जाओ, एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन बन ही रहा है। सो बात करते हैं पराबैंगनी किरणों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनका उपयोग उंगली के निशान को पता लगाने में तथा अदृश्य लिखाई पढ़ने में होता। अब अंगुली का निशान, फिंगरप्रिंट आप लोग जानते हैं ना कि जहाँ से CBI की जांच होती है वहाँ फिंगरप्रिंट के निशान पता चल जाते हैं, तो ये पराबैंगनी किरणें हैं ना, इन्हीं का उपयोग किया जाता है किसमें, फिंगरप्रिंट में, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में तथा खाने की वस्तु को संरक्षण करने में किया जाता है। जो खाने की वस्तु है ना उसमें बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, तो इन्हीं प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी प्रकार की किरणें, पराबैंगनी किरणें। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं दृश्य प्रकाश विकिरण की, दृश्य प्रकाश विकिरण है, इसकी खोज न्यूटन हमारे ने किया था। ये वस्तु, ये इसमें हमें वस्तुएं दिखाई देती है, अब यही जो प्रकाश वाली लाइट होती है ना, इसलिए इनको विजिबल लाइट रिडिक्शन कहते हैं, या फोटोग्राफी प्लेट पर रासायनिक क्रिया करती हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अवरक्त किरणों के, अवरक्त किरणों की खोज हर्सल नामक वैज्ञानिक ने की थी, या सूर्य से अतिप्त वस्तुओं को पैदा करती है, सूर्य से अतिप्त वस्तुओं को पैदा करती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन तरंगों की वेधन क्षमताओं के बारे में। सो इन तरंगों की वेधन क्षमता शक्ति अधिक होने के कारण धुंध व कोहरे के पार निकल जाती है, इसलिए इनका उपयोग कोहरे के फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिनका प्रयोग हम कोहरे में फोटोग्राफी के लिए कहते हैं, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए करते हैं, धुंध में फोटोग्राफी के लिए करते हैं, तो आप डायरेक्ट बता देंगे अवरक्त किरणें। और टीवी के रिमोट में आप आएगा पेपर में क्वेश्चन कि टीवी के रिमोट में किस प्रकार की तरंग, अब हम रिमोट दबा देते हैं, चैनल बदल देते हैं, तो उसमें किरणें जाती हैं, वो जो टीवी से टकरा कर फिर वापस आती हैं, तो ऐसी कौन सी किरणें होती हैं, विकिरण होती हैं, अवरक्त विकिरण होती हैं।
होते हैं जो टीवी के रिमोट पर प्रयोग तथा इनका प्रयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने में किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों के बारे में। तो सूक्ष्म तरंगों की खोज हेनरी हर्ट्ज ने किया था और इनकी खोज हेनरी हर्ट्ज ने की थी। इन तरंगों को हार्टिजियन तरंगे भी कहते हैं। इनका उपयोग विमान संचालन में रडार प्रणाली कम्युनिकेशन में होता है। रडार प्रणाली आप जो जानते हैं ना कि सब देश अपने बॉर्डर पर रडार लगाए रहते हैं, जिससे कोई भी उनकी सीमा में अगर प्रवेश करता है तो उस रडार के जरिए से पता लग जाता है कि कौन उनके सीमा में प्रवेश किया है। इनका उपयोग भी रेडियो, टीवी, टेलीविजन तथा माइक्रोवेव में ओवन में खाना पकाने में प्रयोग होता है। खाना पकाने में किन तरंगों का प्रयोग होता है? सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे का। फिर उसके बाद हम लोग दीर्घ रेडियो तरंगों के बारे में बात करते हैं। जो दीर्घ रेडियो तरंगे हमारी खोज मार्कोनी ने किया था, रेडियो दूरदर्शन के संचार प्रणाली में किया था। टेलीविजन और ध्वनि संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए हमारी रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो यही हमारी इंपॉर्टेंट तरंगे थी जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाइए हमारे चैनल पर A to Z लर्निंग यूट्यूब पर सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद मैंने कम तकरीबन 15 से 20 वीडियो डाल रखे हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनको एक एक करके आप सभी लोग देख लीजिए और नोट्स बनाते लिखते चलिए, जो आपके आने वाले भविष्य में बहुत ही उपयोगी होंगी। फिर आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।